हे गाइस, वेलकम टू एंड माय चैनल ममता ठाकुर की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेकर आई हूँ न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। ऐसा है ना, लाइफ में बहुत कुछ होता है, बट क्या होता है ना कि हम उस सारी चीज़ों को पब्लिक नहीं कर पाते हैं। बहुत कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में, किंतु हम लोग जो होता है ना, हम लोग सोशल मीडिया पर है। कभी कभी हमें मन करता है ना कि सोशल मीडिया से ही हट जाएँ, क्योंकि सोशल मीडिया है जो सब कुछ हमारी लाइफ के बारे में जान जाता है। ऐसा है ना कि हम लोग जब सोशल मीडिया पर आते हैं तो ब्लॉग बनाए बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को पता है कि यदि हम लोग ब्लॉग नहीं बनाए उसके वजह से हमारा जो चैनल है डाउन हो जाएगा, और डाउन के डर से फिर हम लोग को एक्टिव रहना ही पड़ता है। कोई भी यूट्यूबर है और जब सोशल मीडिया से हटने को कोशिश करता है, फिर सोचता है कि नहीं डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक दिन भी सोशल मीडिया से नहीं हट सकते हैं। सुबह ना करें तो शाम को करें, शाम को ना करें तो सुबह करें, हम लोग को लाइफ में करना पड़ता ही है। ठीक है, सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है कि हमारे लाइफ के हर जानकारी सोशल मीडिया पर मिल जाता है, और इससे दुनिया हमारे बारे में जान जाती है। ऐसे ही है, कुछ हमारे घर में है, फैमिली में है, जो हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं, हमें बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। हम बिना सपोर्ट के वीडियो बनाते हैं। आप सबको पता है कि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं, वो सारे वीडियो में मेरा अकेला का ही ब्लॉग होता है, क्योंकि हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। हम पूरा पब्लिक तो नहीं बोल सकते कि हमारे घर वाले कैसे करते हैं, वीडियो बनाने के ख़िलाफ़ नहीं है, बहुत कुछ होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे घर वाले वीडियो बनाने के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के खिलाफ है, इसमें कोई नहीं। किंतु बहुत सारे बातें हैं जो हमारे फैमिली सबसे ज़्यादा, माने हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों को, बस हर्ट बहुत होता है। और कभी कभी तो लोग भी, जिसे अपना समझो, वो भी धोखा दे देता है। कभी कभी मन ही नहीं करता है कि पूरा सोशल मीडिया पर आए, मन करता है सब कुछ छोड़ दूँ और वीडियो बनाना वगैरह कुछ भी ना करो, सब छोड़ के और बैठ जाऊँ। पर मुझे ना आज हमें, मैंने तकलीफ है कुछ है, एक बात तो सच है कि दुनिया साथ नहीं देती है। खुद का सहारा खुद ही बनो, खुद के सहारा यदि खुद नहीं बनते हैं तो दुनिया कुछ नहीं करती है। चाहे माँ बाप हो, सच तो ये है कि नहीं माँ बाप साथ देते हैं, आना कोई साथ नहीं देता है, कोई नहीं, भाई बहन माँ बाप कोई साथ नहीं देता। इस दुनिया में सभी धोखेबाज है, सब कोई धोखा देता है। इसलिए हम कभी कभी सोचते हैं कि सोशल मीडिया से हट जाए, फिर सोचते हैं कि नहीं सोशल मीडिया से हट जाएंगे, आज हमारे पास प्रॉब्लम्स है या कुछ भी है, आज हमें लोग टॉर्चर कर रहा है, या बहुत हमारे खुद के अपने लोग ही बहुत टॉर्चर करते हैं। इस वजह से ना फ्रेंड्स, हमें सोशल मीडिया छोड़ने का मन करता है। मन करता है ना, कोई कोई इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देता है, अपना हो चाहे पराया हो, बहुत लोग टॉर्चर कर देता है, अपना लोग मैंने सभी टॉर्चर करते हैं बहुत ज़्यादा। हम किसके बारे में कितना कुछ बोले, बहुत लोग टॉर्चर कर देते हैं। मन करता है कि सोशल मीडिया ही छोड़ दूँ, बट हम नहीं, सोशल मीडिया मैंने सोचते हैं कि छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, तो सोशल मीडिया ऐसा है ना प्लेटफॉर्म की, उसके वजह से दूसरा का तो किसने, दूसरे तो सिर्फ फ़ायदा उठाना जानते हैं, इस्तेमाल करना जानते हैं। तो सोशल मीडिया दूसरे के भावनाओं में भर के कि लोग टचर करें, ये करें, वो करें, उसके वजह से हम लोग सोशल मीडिया छोड़ तो नहीं सकते हैं। बस यही है कि जैसे मन करता है वैसे ब्लॉग डाल देती हूँ, ये उम्मीद में कि कभी ना कभी एक ना एक दिन वायरल हो जाएगा। माता पिता भाई बहन कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेरा भाई बहन जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, बट वो लोग भी नहीं। ऐसा हो जाता है ना कि वीडियो शूट करने को बोलती हूँ तो नहीं, रील्स वगैरह बनाने को बोलती हूँ तो नहीं, कोई फ़ोन नहीं पकड़ता है शूट करने के लिए। जैसे शूट करो खुद शूट करो, नहीं तो मत करो, बस यही है। तो क्या ही बोले, अपना आदमी खुद बहुत टचर करता है, धोखा देता है। किसी से उम्मीद करना गलत बात है, किसी से उम्मीद मत करो, जिससे उम्मीद करेंगे वही उम्मीद को तोड़ता है और धोखा देता है। इसीलिए खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहो और दूसरे से उम्मीद मत करो, क्योंकि इस दुनिया में धोखेबाजी सब है, सिर्फ सब फ़ायदा उठाते हैं। आपके आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो आप पास आएंगे, नहीं है तो कुछ भी नहीं। हमने भी बहुत लोग को देखा है कि जो बहुत अजीब लोग होते हैं, खुल के तो नहीं बोल सकते हैं, बस बोल सकते हैं कि अपना लोग ही बहुत ज़्यादा। खैर, ब्लॉग छोटा हो या बड़ा हो, ब्लॉग हम बना के हमेशा डालेंगे, अकेला का हो या सब साथ में हो, क्योंकि हम हटेंगे नहीं सोशल मीडिया से,
हम जैसे मन करेगा और से वीडियो डालेंगे, और कभी एक हमेशा एक्टिव रहेंगे, कभी नहीं हटेंगे, और कभी ना कभी मेरा वीडियो वायरल होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई तो सपोर्ट करने वाला मिलेगा ना, जो सपोर्ट करेगा, बस यही। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करते हैं कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को बहुत बहुत सारा शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।